ओहो भाई ये चक्कर, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो? और बढ़िया क्या बात है, बस बस निकल रहा हूँ। एक मिनट छोड़ो छोड़ो, जाने दो यार, जाने दो, रहे थोड़े सा ड्रैग करेंगे, देखेंगे कि आगे कौन सी निकलती है। चल चल चल, ओ भाई ये चेक करो यार, ये चेक करो, ओ गया, ओ तेरी भाई। चल क्या बात है भाई, हेलमेट दोनों की डाउन हो गई है। ओहो निकल रही है भाई, आगे निकल रही है वो, आपका भाई नहीं मानता यार। मिनी ZX10R पे, ओहो गया गया, फील आती है ना इस पे बैठ के यार, आपके भाई को, आपका भाई बोलता है कि बस इसको ले ही लूं एकदम। रिएक्शन देखो, रिएक्शन यार, एंड आपके भाई को मिल चुकी है अपनी ड्रीम बाइक। भी सारे काम है ना वो हमारा अरमान भाई कर लेता है यार। मिनी ZX10R भाई इसने बनाई हुई है, ये देखो कावासाकी का ना आपको लोगो भी मिलेगा यहाँ पे, मिनी ZX10R बोलते हैं इसको। एंड लेन चेक करना गाइस आप यहाँ पे, ओहो हो ट्रैफिक में क्या सीन रहने वाला, ओ भाई क्रेजी यार। यार फिल्टर साफ करवाने के बाद ना जो एग्जॉस्ट की साउंड आ रही है ना यार, वो एकदम इतनी बढ़िया आ रही है ना, चलाते वक्त बहुत ज्यादा मजा आ रहा था मेरे को। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स योर बॉय फैजान एंड यू आर वाचिंग द लॉस्ट बॉय सोल 2.0। जैसा कि आपने लास्ट वाले व्लॉग में देखा था, हमने ना बेल्ट वगैरह जो थी इंस्टॉल करवा दी थी। गाइस मैं ना कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह भी यूज़ नहीं करता हूँ हेयर्स पे अपने, जैसे मेरे नेचुरल हेयर्स हैं ना मैं इनको वैसे ही रहने देता हूँ, बिकॉज अगर कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ करते हो ना कभी कभी उनके ना साइड इफेक्ट वगैरह हो जाते हैं। हेलमेट वगैरह भी पहनता हूँ मैं अपना, सेटअप वगैरह पहनता हूँ, सीधा आपसे मिलता हूँ रेड डेविल पे। मैं ऑयल वगैरह डलवा दिया, अभी इसके प्रेशर वगैरह भी चेक करवाऊंगा, बट मुझे ठीक ही लग रहा है टायर प्रेशर इतना, पहले मुझे लग रहा था टायर प्रेशर कम है बट अभी ना मेरे को ठीक लग रहा है। एंड अभी ना आपका भाई निकलने वाला है यहाँ से सीधा एक ब्यूटीफुल सी राइड पे, आई होप सारा कुछ सही जाएगा, ज़्यादा कोई पुलिस वालों का सीन नहीं बनेगा आज। फिल्टर साफ करवाने के बाद ना जो एग्जॉस्ट की साउंड आ रही है ना यार, वो एकदम इतनी बढ़िया आ रही है ना, चलाते वक्त बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मेरे को। अभी ना इसमें दो चार काम और करवाने थे, वो ना मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बनाऊंगा। तो ये चेक करो भाई साउंड है ना, जो साउंड खतरनाक है यार। ना मैं ज्यादा इतना तेज नहीं चला रहा हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे चला रहा हूँ, बिकॉज भाई बोलते तुम ना एकदम इसको भगा के चलाना कोई सीन नहीं है, आप देखते हैं आगे चल के क्या सीन होगा। क्या पहले 90 पे जाके लॉक हो रही थी, आप देखते हैं कि 90 से ऊपर जाती है थोड़ा के नहीं, ट्रैफिक में क्या सीन रहने वाला। ओ भाई क्रेजी यार, क्या बेल्ट जब से डाली है ना तभी से मैं थोड़ा इसको फील कर रहा हूँ कि पिछली ब्रेक जो है ना बहुत बहुत फर्क पड़ा है उसमें। ओ भाई क्या निकला तुम्हारा भाई यार, भाई 78 79 अभी पहुंच गई है यार, ये देखो पहले ना वो आगे जाके पहुंचती थी बट अभी ना बहुत जल्दी पिकअप पकड़ रही है। ओ क्या बात है यार, क्या साउंड है यार, स्कूटी जो है 30,000 किलोमीटर चल चुकी है, कंप्लीट हो गए 30,000 किलोमीटर। ओहो भाई 86 पहुंच गई है, 89 90, जैसे पहले एग्जॉस्ट लॉक हो जाता था ना वैसे वाला सीन नहीं हुआ, 91 से थोड़ा सा ऊपर पुश कर रही थी बट थोड़ा ना अभी चढ़ाई आ गई तो जिसकी वजह से ना स्पीड थोड़ा कम होगी, टर्न पॉइंट पहुंचने वाले एंड यहाँ पे टेस्ट भी हो जाएगा। तो चेक करो गाइज 89 90 94 96 97, भाई 97 गई है यार, बट बहुत है यार, पहले से बहुत है, 90 पे जा रही थी और कहाँ 97 पे आ गई है भाई, बहुत फर्क पड़ा है यार। ओहो भाई साउंड गया यार, बहुत क्रेजी साउंड आती है यार, मेरा फेवरेट वाला लीन आने वाला है ये स्टंट पॉइंट का। एंड लीन चेक करना गाइस आप यहाँ पे, ओहो क्या बात है गाइस, क्या लीन हो रहा है यार। ओहो सर क्या हाल है, और क्या हाल है, ठीक ठाक लोग मिल गए। ये रहा गाइस अरमान राइडर, और आपने इस मेरे व्लॉग में ना इसकी बाइक तो देखी होगी जो ऑफ रोड पे क्रैश वगैरह हुई थी, और बंदा व्हीलिया स्टॉपिया भाई सब कुछ करता है यार, इम्पॉसिबल जितने भी सारे काम है ना वो हमारा अरमान भाई कर लेता है यार। मिनी ZX10R भाई इसने बनाई हुई है, ये देखो कावासाकी का ना आपको लोगो भी मिलेगा यहाँ पे, मिनी ZX10R बोलते हैं इसको। इसका जो राइडिंग स्टाइल है ना गाइज वो ऐसा ना, ये जहाँ से भी जाता ना सारे बोलते हैं भाई ये अरमान जा रहा है। तो फाइनली गाइज अभी ना आपका भाई स्टंट पॉइंट पे आया था एंड आपके भाई को मिल चुकी है अपनी ड्रीम बाइक। ब्लॉग में ना एक दो स्टंट्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, पर लुक चेक करो यार आरसी की ना, मतलब पूरा क्रॉस प्लेन इंजन है भाई ये चेक करो यार, आपके भाई का प्यार है यार ये, एक दिन ना ये चाबी आपके भाई की जेब में होगी। बस गाइज आपने ना अपने भाई के साथ अपना सपोर्ट बना के रखना, एंड बहुत ही जल्द ना हम जो है इस बाइक को ना अचीव कर लेंगे। तो अपनी RC 390 लेंगे ना हमने फॉर श्योर, इसमें एग्जॉस्ट वगैरह ना फुल सिस्टम डलवाएंगे। तो फील आती है ना इस पे बैठ के यार, आपके भाई को, आपका भाई बोलता है कि बस इसको ले ही लूँ एकदम। मन ऑडियंस को कुछ दिखाओ यार, खाओ
हाँ व्हीली वगैरह ये पॉप अप करेगा, आपको दिखाऊंगा मिनी ZX10R पे। ओ हो गया गया गया, ओ भाई देख रहे हो कहाँ दूर तक लेके गया यार। चल चल चल, ओ भाई ये चेक करो यार, ये चेक करो, ओ गया। ओहो क्रेजी भाई क्रेजी यार, वो देखो दाइज मिनी ZX10R पे व्हीली। ओहो क्या बादल उड़े, भाई रिएक्शन देखो रिएक्शन यार। सुबह इसने बहुत हेल्प की थी मेरी यार, यार मैं खजल हो गया था बट भाई ने ना साथ नहीं छोड़ा। तो अभी निक भाई स्कूटी पे ना बड़े तगड़े वाले रिएक्शन मिल रहे हैं यार, यहाँ पे ना एक थोड़ा सा लीन मारते हैं एंड फिर थोड़ी ना आगे प्रॉपर खींचते हैं, देखते कहाँ तक जाती है। ओ भाई क्या लीन मारने हो रहा है यार, चेक करो 93, 95, 96, 97 पे लॉक हो रही है यार। एंड यहाँ पे आगे जाके ना कल एक सीन हो गया था आपके भाई के साथ। ओहो क्या खतरनाक राइड हो रही है भाई, आज मजा आ रहा है मुझे काफी टाइम के बाद राइड करने का। भाई भाई पीछे स्विफ्ट भी आ रही है यार, ओहो स्विफ्ट के रार रेस हो गई है भाई। क्या यहाँ पे अपने भाई मिल चुके हैं, एंड भाई के पास है रेस XT और अपने पास है रेस एडिशन जैसा कि मैंने आपको बोला था। तो थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा लीन वगैरह है, थोड़ा सा ड्रैग करेंगे, देखेंगे कि आगे कौन सी निकलती है। बट मेरे को तो लगता है कि जहाँ तक ये ना आगे निकल जाएगी बिकॉज इसका एक्सीलरेशन और पिकअप ना बहुत ज़्यादा इंप्रूव है। चलो क्या बात है भाई, हेलमेट दोनों की डाउन हो गई है। ओहो निकल रही है भाई, आगे निकल रही है वो, आपका भाई नहीं मानता यार, भाई पीछे पीछे ही है यार। चलो 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 आगे, आपका भाई देखना कैसे पीछे करेगा। ओ भाई ओवरटेक करें, ओहो आपका भाई निकल चुका है आगे यार। सीधा 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 चलो, आने दो आने दो। ओ चाचा कहाँ आ रहा है यार, ओ तेरी भाई सीन हो गया था गंदे वाला लड़की के साथ, चल रही है भाई पूरा इधर हो गया। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कट नहीं ना मारता भाई लग जाती थी यार, थोड़ा सा एक सीन रहता है वो ना थोड़ा एकदम फ्री होके चलती है यार। उनको उनका जहाँ तक मैंने देखा ना भाई, वो कुछ भी सोचती है यार, कुछ भी करती है, मतलब जो जो हरकतें ऐसी ऐसी हरकतें करती है ना जिन पे आप ना बिल्कुल भी हंसी नहीं आएगी, लेकिन वो हंस हंस के पागल हो जाएंगी यार। ये चेक करो गाइज रिएक्शन, चेक करो एग्जॉस्ट के। तो किसी दिन ना गाइज इसको लेके जाएंगे थोड़ा क्राउडेड एरिया में। ओहो भाई ये चेक करो, क्या हाल है, ठीक हो ठीक हो, और बढ़िया क्या बात है, बस बस निकल रहा हूँ, एक मिनट छोड़ो छोड़ो, जाने दो यार जाने दो, थोड़ा साइड दे दो, थोड़ा साइड दे दो यार। भाई ये चेक करो यार, आपके भाई को ना आपके भाई को ना गाइस सब्सक्राइबर मिल गए थे यार, क्या बात है गाइस। भाई बहुत अच्छा लगा यार, बहुत अच्छा लगा भाई, सच बता रहा हूँ आज ना दिन बन गया आपके भाई का यार, इतने सारे सब्सक्राइबर मिले आपके भाई को आज। मेरे को लगा था यार मेरे को भाई मैं क्या बताऊँ यार, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है यार, बहुत अच्छा फील हो रहा है। इस बच्चों ने ना पूरा जाम लगा लिया था रोड पे यार भाई मुझे बहुत खुशी हो रही है यार, मतलब ये पहला मोमेंट होता है ना जो बंदे का फर्स्ट मोमेंट है ऐसा, कि मुझे इतने सारे बच्चों ने रोक के ना ऐसे बोला, भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार। और ये सब चीज़ें ना भाई आपकी वजह से हो रही है यार, और लिटरली कसम से यार मेरे को ना अंदर से स्माइल ही नहीं बंद हो रही है यार, मैं सोच रहा हूँ मैं पता नहीं कहाँ पहुँच गया हूँ यार। सो फाइनली गाइस अभी ना हम घर पहुँच गए हैं, बालू बालू की ना यार हालत ख़राब हो जाती है हेलमेट पे आपको पता ही है जैसे, तो अभी ना आपके भाई ने ऑयलिंग वगैरह कर रखी है। और गाइस आज की वीडियो कैसी लगी आपको, आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते गाइस आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।